मेरा डिजिटल चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज ही हमने एक एपिसोड किया सतर्क रहो। सतर्क रहो में आज एक न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं आई हुई है कि इंडिगो एयरलाइंस में जॉब देने के बहाने 2 लाख से ऊपर की अमाउंट ट्रांसफर करवा ली गई। तो ऐसी और एक घटना घटी थी, वो पीना ठक्कर के साथ घटी हुई थी जॉब रिलेटेड एजुकेशन फील्ड में। और आज ये तीसरी घटना है जो हमारे साथ है। आपका नाम है रेणुका। रेणुका जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और आपके साथ जो घटना घटी है वो है क्रेडिट कार्ड के में जो फ्रॉड हुआ है, सो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बताइए मैम, आपके साथ क्या हुआ? नमस्कार, मेरे साथ पहला मेरे पर फोन आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बनाना है जी। तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हो? तो कि बैंक में से बोल रही हूँ आपका, और आपका डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिस पे आ जाना। तो मैं कि तो आज तो सैटरडे है, कल संडे है, तो कोई बात नहीं, संडे के दिन भी खुला रहेगा, अड्डाचर में मेरी ऑफिस है। तो मैंने सोचा कि छुट्टी के दिन बैंक तो कोई खुली रहती नहीं है जी, तो ऐसा कैसा हो सकता है, इसलिए मैं नहीं गई वहाँ। तो फिर सीधी बैंक में गई, कोई बैंक का काम होगा इसलिए मैं बैंक में गई। तो वहाँ भी उसके जो क्रेडिट कार्ड बनाने का एजेंट थे, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपका क्रेडिट इतना मिला है, आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसके पैसे नहीं लगेंगे, ऐसे थोड़ी जाहिरात दिया। तो मेरा फॉर्म भरा, मेरे पास सही तो भी करना है, क्रेडिट कार्ड भी आ गया। लेकिन मैंने शॉपिंग सिर्फ 2 बार किया, फिर बाद में उसमें से जो पैसे कटने लगे तो मुझे भी पता नहीं चला, कोई मैसेज नहीं आ रहा था। तो फिर जब मैंने पासबुक में एंट्री करवाई तब पता चला कि मेरे अकाउंट में से पैसे गायब गए। फिर मैंने बैंक में इंक्वायरी किया तो बोले कि वो क्रेडिट कार्ड वाले ने किया है। तो क्रेडिट कार्ड से भी मैंने मिली, तो उन्होंने बोले कि वो जो क्रेडिट कार्ड की शाखा चौक बाजार में वहाँ जाओ। तो वहाँ भी गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कार्ड बंद करवाया, फिर भी दूसरी बार पैसा कट हुआ। फिर बाद में रिक्वेस्ट किया, तो ऐसा 3 बार मैंने रिक्वेस्ट किया, कार्ड बंद करवाया, फिर भी 3 बार फ्रॉड हुआ। और लास्ट में तो जब 11 तारीख को मैंने किया कि मेरे कार्ड बंद करवाया तो क्यों ये ट्रांजेक्शन हुआ, मुझे मैसेज भी नहीं आ रहा है मोबाइल में कि पैसा कट रहा है जी। फिर उन्होंने बोला तो पता चला कि 3 दिन छुट्टी पे ऐसा है, फिर बाद में नहीं जाना। तो फिर बताया तो पता चला कि 12 तारीख को सिर्फ पूरे अकाउंट में से जितने पैसे थे 30,000 निकाल दिए गए। फिर मैंने बैंक में गोल्ड लोन शाखा सूरत की हाँ सूरत में ही बना हुआ है। तो जो घटना घटित होकर बोल रहे, मैंने एक रिक्वेस्ट लिखवाया कि आप गोल्ड लोन शाखा है उसमें जाके इंक्वायरी करो। तो वहाँ जाकर भी मैंने किया, फिर भी वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। वो बोले कि आप क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट में जाओ। फिर बाद में मैं साइबर क्राइम में और कमिश्नर ऑफिस में अभी एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ जी। मतलब फोन कहाँ से आते थे वो सब आपको कुछ पता नहीं है? फोन आया था तो मुझे पता है, वो SBI बैंक के जो एजेंट है वहीं से लेडी है, तो उसका ही आया था, मैं उसको मिली मिक्स है। लेकिन जो फ्रॉड हुआ वो सूरत में हुआ? लेकिन जो मैं ट्रांजेक्शन जो बैंक में दिखा रहा है वो गुड़गांव का बता रहा है जी। मतलब ये ज्यादातर लोग जो गुड़गांव यूपी वहाँ से लोग फ्रॉड करने के लिए हमारे गुजरात में आए, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। सो ये हमारी आज की तीसरा प्रोग्राम, मतलब दूसरा बोल सकते हैं आज की, मतलब अभी रिसेंटली ऐसी घटनाएं घटी है जो आपने हमारे साथ शेयर की। बस ये शेयर करने का एक ही मकसद है और एक ही बताना चाहते हैं हम आप सबको कि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, जिसके भी साथ फ्रॉड हो रहा है, वो जरूर से सतर्क रहे, क्योंकि आपके साथ कब क्या घटना हो सकती है आपको भी नहीं पता चलता है। लेकिन आप अवर रहेंगे तो आपके साथ घटनाएं नहीं घटेगी बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगर आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर से हमारे चैनल का संपर्क करिएगा। हम भी आपकी जो बातें हैं वो हम शेयर करना चाहेंगे और दूसरे लोग इससे भोग ना बने, वही हमारे चैनल का मकसद है। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद रेणुका जी आपका।